जय माता दी दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ धनतेरस के दिन इन 12 चीजों को खरीदने से भाग्य 15,000 गुना प्रबल होगा। धन त्रयोदशी का दिन प्रायः धनतेरस की पूजा के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद के देवता धनवंतरी का जन्म भी इसी दिन हुआ था, इसीलिए इस दिन धनवंतरी जयंती भी मनाई जाती है। आयुर्वेद के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। वैदिक युग में स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन माना जाता था, हालांकि आज भी यही सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमारे समस्त धर्म का साधन हमारा शरीर ही है। आयुर्वेद में भी कहा गया है, हिंदू समाज में धनतेरस सुख समृद्धि यश और वैभव का पर्व माना जाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देव धन्वंतरी की पूजा का बड़ा महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाए जाने वाले इस महापर्व के बारे में स्कंद पुराण में लिखा है कि इसी दिन देवताओं के वैद्य धन्वंतरी अमृत कलश सहित सागर मंथन से प्रकट हुए थे, जिस कारण इसी दिन धनतेरस के साथ साथ धन्वंतरी जयंती भी मनाई जाती है। कहा जाता है कि इसी दिन यमराज से राजा हेम के पुत्र की रक्षा उसकी पत्नी ने किया था, जिस कारण दीपावली से 2 दिन पहले मनाए जाने वाले ऐश्वर्य का त्योहार धनतेरस पर सायंकाल को यमदेव के निमित्त दीपदान किया जाता है। इस दिन को यमदेव दान भी कहा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से यमराज के प्रकोप से सुरक्षा मिलती है और पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। इस दिन घरों में साफ सफाई लीप पोत कर स्वच्छ और पवित्र बनाया जाता है और फिर शाम के समय रंगोली बनाकर और दीपक जलाकर धन और वैभव की देवी माँ लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है। धनतेरस के दिन देवता यमराज की पूजा की जाती है। साल का एक यही दिन है जिस दिन देवता यमराज की पूजा की जाती है। इस दिन रात्रि के समय देवता यमराज के नाम का दीपक जलाया जाता है। तो चलिए जानते हैं धनतेरस के दिन आपको क्या क्या खरीदारी करनी चाहिए। दीपावली के पहले धनतेरस पर घर में कुछ खास चीजें लाने से धन की प्राप्ति होती है, जैसे गणेश लक्ष्मी की मूर्ति अवश्य खरीदें। गणेश लक्ष्मी की मूर्तियों को धनतेरस के दिन घर लाने से घर में धन संपत्ति का आगमन रहता है और पूरे साल भर घर में धन और अन्न की कमी नहीं होती। धातु का सामान जैसे सोना चांदी या पीतल, इस दिन सोना चांदी खरीदने से व्यक्ति के भाग्य में इजाफा होता है। धातु से बने बर्तन और गहने खरीदने के लिए धनतेरस का दिन सर्वश्रेष्ठ है। इस दिन धातु का सामान घर में लाने से घर में सदैव लक्ष्मी बनी रहती है। स्फटिक का श्रीयंत्र घर में लाने से लक्ष्मी घर की ओर आकर्षित होती है, इसीलिए धनतेरस के दिन स्फटिक का श्रीयंत्र घर लाएं और दीपावली के दिन शाम को लक्ष्मी पूजन के स्थल पर रखकर इसकी पूजा करें। पूजा के बाद इस यंत्र को केसरिया कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन स्थान पर रख दें, इससे सदा वहां पर बरकत बनी रहेगी। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। दीपावली के मौके पर नई झाड़ू को घर पर लाएं, इससे नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर जाएंगी और साफ सुथरे घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। कौड़ी, कहा जाता है कि कौड़ी को घर में रखने से उस घर में कभी भी धन अभाव नहीं रहता, इसलिए धनतेरस के दिन कौड़ी खरीद कर घर लाएं और लक्ष्मी पूजन के समय इसे भी शामिल करें। पूजन के बाद इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन वाले स्थान पर रख दें, वहां कभी भी धन की कमी नहीं होगी। शंख सुख समृद्धि और शांति का प्रतीक है, इस दिन शंख को घर लाएं और इसे दीपावली पूजन के समय बजाएं, इससे घर में लक्ष्मी का आगमन होगा और घर के अनिष्ट टल जाएंगे। दीपावली के मौके पर नमक का पैकेट भी घर लेकर आएं और इसे दीपावली के दिन इस्तेमाल भी करें। कहते हैं कि नमक खरीद कर लाने से साल भर धन अभाव नहीं होता और सुख समृद्धि घर में ही टिकी रहती है। दीपावली के दिन इसी नमक के पानी का पोछा घर में लगाने से हमेशा के लिए दरिद्रता दूर हो जाती है। धनिया धन का प्रतीक है, इसीलिए इस धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीद कर लाएं और दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के समय इसकी भी पूजा करें। दीपावली पूजन के बाद घर के आंगन या गमलों में इसे उरक दें, यह धनदायक है। कुबेर की मूर्ति, धनतेरस की मूर्ति या उनकी तस्वीर लाकर उनकी पूजा करें और पूजा करने के बाद जहां पर धन रखते हों वहां पर रखें। गोमती चक्र, धनतेरस के दिन गोमती चक्र का बहुत ही महत्व होता है। इस दिन इसकी पूजा करके इसे तिजोरी में या इसे खुद धारण कर सकते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष, धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष का भी बहुत महत्व होता है। 7 मुखी रुद्राक्ष का पूजन करेंगे तो इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ साथ महादेव की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। दिया, धनतेरस के दिन देवता यमराज की पूजा की जाती है। साल का ये यही दिन है जिस दिन देवता यमराज की पूजा की जाती है। इस दिन रात्रि के समय
देवता यमराज के नाम का दीपक जलाया जाता है। तो दोस्तों ये थे धनतेरस के दिन इन 12 चीजों को खरीदने से भाग्य 15,000 गुना प्रबल होगा। इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।